नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने आप नेता मान को पिलाया संसद में पानी। लोकसभा में बुधवार को एक खुशनुमा मंजर देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे आप सांसद भगवंत मान को कुछ बेचैनी सी महसूस हुई तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपना पानी का गिलास थमा दिया। मान ने पानी पीने के बाद प्रधानमंत्री के इस भाव का मुस्कुराकर आभार जताया और सदन में मौजूद सदस्यों ने मेजें थपथपाकर इसका स्वागत किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित विपक्षी सदस्य भी इस बात पर मुस्कुराते देखे गए। आप सदस्य मान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में सोमवार को सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी विरोध करते हुए कांग्रेस तथा तृणमूल सदस्यों के साथ आसन के समक्ष आकर नारेबाजी कर रहे थे। केजरीवाल और सिसोदिया का जेटली पर हमला जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सचिवालय में मंगलवार को सीबीआई के छापे को लेकर दोबारा वित्त मंत्री अरुण जेटली और सरकार पर तगड़ा हमला किया। आप नेताओं ने कहा कि संसद में जेटली ने यह झूठ बोला है कि यह छापा मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं किया गया, जबकि हकीकत यही है कि सीबीआई के अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय की फाइलें उठाकर ले गए हैं। केजरीवाल ने बुधवार सुबह उनके प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के पूछताछ के लिए फिर से सीबीआई कार्यालय में जाने के बाद सीबीआई और सरकार के खिलाफ ट्विटर पर आरोपों की झड़ी लगा दी। इस्लामिक स्टेट की नजर तेल क्षेत्रों पर। इस्लामिक स्टेट की नजर सीरिया के बाहर सीरिया के तेल क्षेत्रों पर है, ताकि वह उनको कब्जे में लेकर अपनी आय के स्रोतों को बढ़ा सके। सीरिया के 80% तेल तथा गैस क्षेत्र पर इस्लामिक स्टेट का नियंत्रण है, जहां से वह तेल तथा गैस बेचकर भारी रकम जुटा रहा है। यह जानकारी अमेरिका के एक अधिकारी ने आज दी। अमेरिका का अनुमान है कि इस्लामिक स्टेट हर महीने $4 करोड़ का तेल बेच रहा है। यह तेल वह सीरिया से ट्रकों से भेज रहा है। अमेरिका ने हाल में इन ट्रकों को अपना निशाना बनाया था। आजम खान बोले, प्रधानमंत्री पद के लिए मैं सबसे उपयुक्त। उनको प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति बताते हुए उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान ने कहा कि यदि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें और सारी संसद मिलकर मुझे प्रधानमंत्री के रूप में पेश करे तो इससे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा और देश तरक्की भी करेगा। तब आजम से पूछा गया कि आपकी पार्टी में तो मुलायम सिंह यादव पीएम पद के दावेदार हैं, तो इस पर आजम ने कहा कि जब ऐसा समय आएगा तो मुलायम मेरा नाम पेश करेंगे। आजम ने कहा कि जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं बन सकता। आईएसआईएस से नहीं डरता, नहीं पहनूंगा बुलेट प्रूफ जैकेट, पोप फ्रांसिस ने कहा। अपने क्रिसमस भाषण से पहले पोप फ्रांसिस ने कहा कि मैं कुख्यात आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से कतई नहीं डरता। उन्होंने कहा कि वे क्रिसमस पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने बिना ही लोगों को संबोधित करेंगे। पोप के प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें आईएसआईएस के खतरे के बारे में मालूम है, लेकिन वे इस आतंकवादी संगठन से नहीं डरते। गौरतलब है कि खुफिया जानकारियों में आईएसआईएस से पोप को खतरा बताया गया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।